तो आज मैं बना रही हूँ चिकन, करीब आधा केजी है, 500 ग्राम। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। घर की सामान से बनाई हुई है, बहुत अच्छा टेस्टी मैं चिकन बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। फिर मैं डालूँगी सरसों का तेल और ये चिकन के हिसाब से डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, वैसे भी गर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही है तो इसमें थोड़ा गर्म चीज़ कम ही खाया जाता है। फिर भी क्या करें, आदत है खाने का। तो संडे आज में है तो मैंने चिकन बना रही हूँ, तो इसमें तेल डाल दी हूँ, चिकन के हिसाब से डाली हूँ। फिर मैं तेज़पत्ता डाल दूँगी और जब तेज़पत्ता मेरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो मैं प्याज डाल लूँगी, करीब 4 प्याज है, छोटी छोटी सी है, क्योंकि चिकन भी आधा केजी है, 500 ग्राम, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और जो देखिए मैंने घर में हम लोग जो खाते हैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। तो बहुत दिन हो गया है तो मैंने कोई रेसिपी नहीं डाली हुई थी, तो आज मैंने चिकन की रेसिपी डाल रही हूँ। ये चिकन है, मैंने डाल दी हूँ, प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, भून गई है अच्छे से, तब मैंने इसमें चिकन डाल के और अच्छे से भूनूंगी। देखिए हर प्रकार की आप लोग का अलग अलग सबका रेसिपी होता है तो सब अपने तरीके से शेयर करते हैं। तो मैंने ये लहसुन अदरक मैंने छील के मिक्सर में डाल ली हूँ, करीब 1 लहसुन का गाँठा है करीब छोटा, और 1 टुकड़ा अदरक और हरी मिर्च। वैसे गर्मियों में हरी मिर्च ही ज़्यादा खाना बेटर होता है, तो मैं हरी मिर्च लेके पेस्ट बना ली हूँ। और ये मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, जो मैंने प्याज और चिकन और तेज पत्ता डाल के की हुई थी। तो जब अच्छे से भून जाएगा ये, तो भूनने के बाद मैं इसमें जो मसाले है पीसी हुई थी वो मैं ऐड कर दूंगी। तो जो मेरा पहले का मसाला है वो ऐड कर दी हूँ। फिर मैंने हल्दी डाली हुई हूँ, हल्दी के बाद मैं डालूंगी इसमें जीरा पाउडर, ये चिकन के हिसाब से ही डालूंगी, थोड़ा थोड़ा कंटी इसका वो डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के बाद मैं डाल दूंगी इसमें चिकन मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, जो घर का मसाले है वही सब डालूंगी इसमें। तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये काली मिर्च है और सब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी, ज़्यादा कम बेस मत डालिएगा, वो अपना हिसाब से सब डालते हैं, लेकिन मैं जो रेसिपी हम लोग खाते हैं वो आप लोग से शेयर करती हूँ। अब इसमें चिकन मसाला है, बस वही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च, और थोड़ी सी मैं, क्योंकि मैंने पहले से उसमें डाल रखी, पीस रखी थी हरी मिर्च, तो मैं थोड़ी सी इसमें लाल पाउडर डालूंगी, एकदम वो कलर वाला है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मियां हैं। और उसको मैं पानी में घोल लूंगी, क्योंकि मैंने पहले से अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीसी हुई थी, उसमें घोल के फिर मैंने कढ़ाई में डाल दूंगी और अच्छे से भून लूंगी। और वीडियो देखिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गया है, तो मैं शेयर करूंगी आप लोग से। तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करिएगा कैसा बना है, और प्लीज़ बनाइएगा। और फिर मैं अच्छे से आराम से इसको चलाऊंगी। उस मसाला डालते समय मैं थोड़ी पानी डाली हुई थी, फिर अब मैं टमाटर बाद में डालती हूँ ताकि टमाटर में से भी पानी छोड़े, और अच्छे से धीमी आँच में इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, नमक टेस्ट के हिसाब से डालूंगी और उसको अच्छे से भून चला चला के भूनते रहूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि चिकन भी थोड़ा ही है। और इसको ढक के पकाइए करीब, और लाजवाब चिकन बन के तैयार हो जाएगा सबके थाली में जाने के लिए। ये देखिए मेरा मसाले भी अच्छे से भून चुका है, तेल बाहर निकल गया है और खाने के लिए पूरा रेडी है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसी मेरी रेसिपी रही है, और इसको आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए। तो हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो रोटी बनाने की मन नहीं करती है। आप लोग भी ये बात समझ सकते हैं, जो हाउस वाइफ है वो तो अच्छे से समझेंगे कि गर्मियों में किचन में खड़ा होने का भी मन नहीं करता है। वैसे तो गर्म खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, वही तो मैंने पहले भी बोली कि आदत है कभी किसी को ये सब खाने का, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो कभी कभार खा ही लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।